अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ राइस पकोड़ा की रेसिपी। अगर आपके घर में लेफ़्ट ओवर राइस हैं तो उससे ये पकोड़े झटपट से बन जाएंगे। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं बॉयल्ड राइस 1 कप, बंद गोभी 1/4 कप, प्याज 1 मीडियम साइज़ की, बेसन 4 से 5 टेबल स्पून, हरी मिर्च 2, फ्रेश धनिया 3 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। पहले हम एक बाउल में 1 कप बॉयल्ड राइस डाल देंगे। उसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, छोटी छोटी कटी हुई होनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कटी हुई बंद गोभी, 2 हरी मिर्च, 3 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक हसबे जायका। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि राइस और सारे स्पाइसेस आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून बेसन और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, हमारा मिक्सचर थिक होना चाहिए, तो हमने फ्यू ड्रॉप्स डाले। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें अब अपने पकोड़े डालेंगे फ्राई होने के लिए। पकौड़े डालने के बाद आप 3 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कि हर साइड से अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। पकौड़ों को हमने 10 मिनट तक फ्राई किया था मीडियम फ्लेम पे। अब अच्छा सा कलर आ चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। और ऐसे ही बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे लेफ्ट ओवर राइस पकोड़े तैयार हो गए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा बिल्कुल कि ये हमारे बचे हुए राइस से हमने ये पकोड़े बनाए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। बहुत ही क्रंची हैं बाहर से और अंदर से सॉफ्ट हैं। आप अपने बच्चों को एज ए लंच बॉक्स में भी इसे डाल के दें, उनको ज़रूर पसंद आएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फेरी कुकिंग को।